हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी डिस्कस इनवर्स ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन। लेट एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, एन बिलोंग टू इंटीजर टू ऑल रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। इट इज द ग्राफ ऑफ कॉट फंक्शन। अब हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन अदर फंक्शन की तरह बाइजेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है, और कैसे उसको हम बाइजेक्टिव बनाएंगे, यानी ओबियसली वन वन और ऑन टू। तो पहले क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा वन वन है या नहीं। वन वन के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, जिसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वो लाइन फंक्शन के कर्व को यूनिक पॉइंट पर कट करती है। देन वी से इट इज अ वन वन फंक्शन। एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, देन वी से इट इज ए मैनी वन फंक्शन। ओके, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन ड्रॉ की हमने क्या देखा, ये लाइन इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, दैट मीन इट इज नॉट वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन नहीं है। क्या ये ऑन्टो है? ऑन्टो की शर्त क्या होती है, रेंज को डोमेन के बराबर होना चाहिए। यहां पर फंक्शन है, को डोमेन ऑल रियल नंबर है, इसकी रेंज क्या लगा रही है, ये ग्राफ पूरे वाई एक्सिस को फॉलो कर रहा है, दैट मीन इसकी रेंज ऑल रियल नंबर होगी, रेंज रियल नंबर है जो कि कोडोमेन के बराबर है, देन इट इज ऑन टू, मीन ये वन वन फंक्शन नहीं है, इसको वन वन हम बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, इसके डोमेन को फिक्स करेंगे जिससे कि फंक्शन हमारा वन वन हो जाए। इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया जीरो से पाई, क्या हो गया, अभी फंक्शन हमारा वन वन हो गया, ऑन टू भी है, देयरफॉर एफ एक्स जीरो टू पाई टू ऑल रियल सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव है, देन इट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, डोमेन रेंज में, रेंज को डोमेन में हमारा शिफ्ट हो जाएगा। नाउ How can you draw graph of cot inverse function? हमने डोमेन फिक्स किया था जीरो से पाई, एक लाइन ड्रॉ की y is equal to x। ये लाइन काम करेगी मिरर लाइन का, जस्ट लाइक अ मिरर, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन बनेगा, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन आएगा यू, ये रिफ्लेक्शन हमारा यू जाएगा, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन आया, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन आया दिस, इस पोर्शन का रिफ्लेक्शन भी चला गया हमारा दिस। ब्लू कलर से जो कर्व ड्रॉ हो रहा है, इट इज ए ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन। ओके, नाउ नोट कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ दिस एक्स बिलोंग टू द डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन, एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई। नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम प्रूव कराएंगे, इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉट इनवर्स वन, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स वन, यहां पर कॉट इनवर्स फंक्शन है तो इस वन को कॉट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए कॉट इनवर्स, cot की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 4 पर, देन cot पाई बाई 4, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x इफ दिस x बिलोंग टू डोमेन ऑफ cot फंक्शन 0 से पाई। क्या पाई बाई 4 0 से पाई में लाई कर रहा है, के बीच में लाई करता है, यस, बिकॉज पाई बाई 4 बिलोंग टू 0 टू पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉट इनवर्स माइनस 1, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस 1। ऑब्वियसली जो वर्क हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था वो यहां पर भी करना है। यहां कॉट इनवर्स फंक्शन है, माइनस 1 को कॉट फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस वन की वैल्यू क्या होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी से, मैंने यूनिट सेट बनाया था उसके अंदर
आपको ट्रिक सिखाई थी याद करने की, कॉट 3π/4, पाई बाई फोर इसकी इमेज यहां जा रही है, 1π/4, 2π/4, 3π/4, 3π/4, पाई बाई फोर पे कॉट की वैल्यू 1 होती है, यहां पर -1 होगी बिकॉज आई इन सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, 3π/4 इसके डोमेन से बिलोंग करता है, 3π/4 बिलोंग टू डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन, देयरफॉर 3π/4 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, कॉट इनवर्स √3, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने प्रीवियस टू एग्जांपल डिस्कस की, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स फंक्शन है, √3 को कॉट फंक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, कॉट π/6, बिकॉज π/6 बिलोंग टू द डोमेन ऑफ कॉट फंक्शन विच इज 0 to π ओपन इंटरवल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2, सेम प्रोसेस करने का है हमारा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने आप डिटेल में डिस्कस किया है। tan इनवर्स फंक्शन है, -1/√3 को tan फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, then tan -π/6, cot इनवर्स फंक्शन तो 1/√3 को cot फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, cot π/3, एक tan इनवर्स फंक्शन है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ये tan इनवर्स फंक्शन है, sin -π/2, sin -π/2 का मतलब -1, -π/6 बिलोंग कर रहा है किससे, tan फंक्शन के डोमेन से, π/3 बिलोंग करता है cot फंक्शन के डोमेन से, और ये -π/4 बिलोंग करता है इसके डोमेन से, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं, therefore -π/6 प्लस π/3 -π/4, क्लियर, कितना आ गया -π/6 -π/4 -π/12, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व दिस इज असाइनमेंट नंबर 6, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं इस टॉपिक पर, ठीक है, आपको सॉल्व करनी है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी।